टिकाऊ विकल्पों पर लगातार काम कर रहा है। सीओपी 28 में इसकी झलक भी देखने को मिली है। भारत के क्लाइमेट मिशन का जोर वैकल्पिक ऊर्जा, खास पर ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा पर है। इस मामले में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है और साफ सुरक्षित भविष्य की उम्मीद भी बना हुआ है। भू राजनीति, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत ने एक वैश्विक नेता की छवि बनाई है। साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी देश मजबूती के साथ उभर रहा है। इन सब के अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने की राह दिखाने में भी भारत आगे आगे चल रहा है। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात प्रकृति उसकी रक्षा करती है जो प्रकृति की रक्षा करता है। COP28 सम्मेलन में भारत ने दुनिया के देशों को एक राह दिखाई। आज भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्तम संतुलन का उदाहरण विश्व के सामने रखा। अकेला देश जो 2023 तक कार्बन उत्सर्जन के लिए निर्धारित लक्ष्य को न केवल पूरा करने बल्कि उससे आगे जाने की राह पर है। 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। साल 2005 से 2019 के बीच भारत ने अपने कार्बन उत्सर्जन में 33% की कमी की है। एक ऐतिहासिक पहल करते हुए भारत ने सऊदी अरब के साथ मिलकर ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट की शुरुआत की। COP28 में हुई ये पहल नए पर्यावरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाला वैश्विक मंच बन गई है। G20 देशों ने इस साल हरित विकास का समर्थन किया है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया। ये भारत को परिवहन और बिजली के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और इस्तेमाल में एक प्रमुख शक्ति के तौर पर स्थापित करता है। G20 अध्यक्ष के तौर पर भारत ने पर्यावरण के लिए मिशन लाइफस्टाइल की अगुवाई की। हरे भरे और स्वस्थ ग्रह के लक्ष्य के लिए ये पहल सीमाओं को तोड़कर एक वैश्विक आंदोलन की वकालत करती है। LIFE यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। 2023-24 में एक नई पहल करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पहला ग्रीन बजट पेश किया। इसे 7 सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रखा गया। हरित विकास, पर्यावरण अनुकूल कृषि, टिकाऊ ऊर्जा और ग्रीन सेक्टर में कई नौकरियों को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के दायरे में वन्य जीव संरक्षण भी है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका मकसद 97 देशों में शेर चीतों और उनकी दूसरी प्रजातियों का संरक्षण करना है। भारत में स्थित भडला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। 22 मील में फैला ये पार्क 2,245 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता रखता है। समृद्ध विरासत वाला भारत देश अब पर्यावरण प्रबंधन का नया अध्याय रच रहा है। बड़े बड़े सोलर पार्कों से लेकर वैश्विक सहयोग तक भारत टिकाऊ भविष्य का मंच तैयार कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए एक नई ग्रीन ग्रोथ स्टोरी लिखने में सफल होंगे।